अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है गज़ को हम सीधा किस तरह करते हैं। गज़ है या आपके पास कमान है, कमान की तीली हो गई, गज़ की हो गई, या पैंदी है, पेटा है, पतंग के हिसाब से, और इसी तरह उसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह डालते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कैंडल की, ये जो हम जिसे मोमबत्ती कहते हैं, ठीक होगी इसकी। दूसरा मैं आपको गज़ दिखा देता हूँ जिसको मैं सीधा करने की कोशिश करूँगा आज। ये आप इसको देखिए, बिल्कुल ये देखिए, ठीक है। और चलें, इसमें कोई इतनी बड़ी ट्रिक नहीं है, बस आपने हल्का सा सेकना है इसको। और जिस साइड से टेढ़ा हो उस साइड पे थोड़ा जोर देके यूं आग के ऊपर पकड़ना है। ये देखें, कुछ हद तक ये ठीक हो गया है। ये अब तकरीबन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसके ऊपर डिज़ाइन आप लोग देख लें, डिज़ाइन भी इसी तरीके से लगता है, लेकिन ये इसकी बैक साइड है, ये साइड इसकी पेपर के ऊपर आएगी। आपने डिज़ाइन इस साइड से लगाना है जो नज़र आए, इस तरह ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रखना है। काफ़ी देर के लिए इसमें नहीं रखना क्योंकि इससे तीली बरन हो जाएगी और वहाँ से टूट जाता है, गज़ है या कमान है आपकी ये। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यूँ थोड़े थोड़े स्पेस के ऊपर, जितनी स्पेस पे आप चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन बने इसके ऊपर, ये देख रहे हैं। अब ये डिज़ाइन डिपेंड करता है डार्कनेस के ऊपर, यानी अगर आप ज़्यादा डार्क देना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा 1-2 सेकेंड के लिए रखना है, अगर लाइट देना चाहते हैं तो फिर आप यूँ रख के ये बस, ये फिर लाइट आएगा बनिस्बत इसके ये डार्क है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका डिज़ाइन लग जाएगा इसके ऊपर ये आपकी डिज़ाइन भी आपका इसके ऊपर बन गया। और इसको सीधा किस तरह करना है वो चीज़ भी आप लोगों को पता चल गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इसको आगे भी फॉरवर्ड कर दें ताकि किसी और का भी भला हो इससे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।